फाइनली पैकिंग की वीडियो बना रही हूँ. हियर आई एम रेडी टू गो. ओके, तो आज जो है लास्ट डे है पैकिंग का, और आज जो है मैं फाइनली पैकिंग की वीडियो बना रही हूँ. अच्छा, तो ये दो बैग है जो मैं अपने साथ लेकर जाऊँगी, और ये बैकपैक है, एक दूसरा भी बैकपैक है, वो लेकर जाऊँगी. उसमें जो है मैं डालूँगी लैपटॉप और वो जो क्या कहते हैं मोबाइल्स के चार्जर्स वगैरह इस तरह से. और ये जो है ना, इसमें मैं और भी कपड़े डाल रही हूँ मेरे अपने, क्योंकि वो दोनों जो है ना पता नहीं कैसे लेकिन फुल हो गए. मुझे लगा था कि मैं खाली खाली बैग ले जाऊँगी, लेकिन ये ऐसे फुल हो गए ना कि बस अब गुंजाइश नहीं है. सो यहाँ जो है मैं आई थी अपनी सूट्स निकालने के लिए, और मैं लेकर जा रही हूँ ये तीन सूट्स, एक ये वाला, सेकेंड वाला ये ब्लू, और थर्ड वाला जो है ना ये है, ये तीसरा है, ये तीसरा सूट है. वो दो सूट जो है ना मैं ऑलरेडी घर में यूज़ करती हूँ, तो वो अपने साथ लेकर जाऊँगी. ये एक है जो न्यू है, और मैं इसलिए सारे सूट न्यू लेकर नहीं जा रही, क्योंकि जो भी न्यू सूट होंगे ना वो ख़राब होके आएंगे, क्योंकि वहाँ पानी इस तरह से कि वॉश करो ना तो समझो इसके कलर उतर जाते, बिल्कुल डल कपड़ा हो जाता है. तो इसलिए मैं न्यू सूट लेकर नहीं जाऊँगी, क्योंकि सारे के सारे ख़राब हो जाएंगे. सो एक ही मैंने न्यू लिया है, दो पुराने, मीन पुराने नहीं लेकिन आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ, इतने फ्रेश है, इतने पुराने नहीं है. और उसके साथ एक और सूट जो मैं यहाँ से पहन के जाऊँगी, मीन्स टोटल चार सूट हो गए. और बस चलो पैक करते हैं. और बाय द वे, ये जो सूट है ना जो न्यू है मैं लेकर जा रही हूँ अपने साथ, जो आप लोगों को मैंने बताया है ना, ये सूट मुझे भाभी ने गिफ्ट दिया था. इंशाल्लाह इस दफ़ा मैं उनके घर जाके पहनूंगी. अभी जो है मैं कंफ्यूज्ड हूँ इस स्कार्फ से कि कौन सा हिजाब स्कार्फ ले लूँ, उसके साथ ये कैप्स भी है, तो बस वो सेट कर रही हैं कि कौन सा लेकर जाऊँ. सोच रही हूँ एक ग्रे वाला ले लूँ, और इसके साथ ये स्किनी वाला भी लेकर जाऊँ साथ में, है ना. आई एम कंफ्यूज्ड. कल वॉश किए थे, अभी तो मैं बस थोड़ा सा प्रेस करके इसको मैं पैक करती हूँ, लेकिन पहले डिसाइड हो जाए कि मैं कौन से वाले लेकर जाऊँ साथ में, और इसके साथ ही मास्क. सो सिलेक्ट करते हैं इसमें से. ओके, तो फाइनल डिसीशन मैं आप लोग बता दूँ कि मैंने कौन सा किया है. ये वाला ग्रे और डार्क ब्लू के ये कैप है, क्योंकि मेरी जो अबाया है ना वो इसकी मैचिंग है. और वो ये दो है ना मैं लेकर नहीं जा रही, मैं एक लेकर जा रही हूँ. दूसरा जो मैंने लेकर जाना है ना वो एक वाइट कलर का है, जो मैं भूल गई, मैंने इसको जो है ना ऑलरेडी पैक किया था और मैं भूल गई थी. अभी जब मैं इसको तय लगा रही थी फिर मुझे याद आया कि मैंने एक वाइट को जो है ना ऑलरेडी पैक किया है. सो दो काफ़ी है, इसको जो है ना मैं दोबारा अलमारी में रख देती हूँ. मास्क तो आई एम कन्फ्यूज्ड कि कौन सा आएगा, से एक प्लेन के लेकर जाऊँगी, दैट्स इट. बस ओके, जो कपड़े जो है ना मैंने पैक कर दिए, अभी जो है थोड़े से घर के सेटिंग कर रही हूँ, कुछ वॉश कर रही हूँ. तो अभी जो है ना मैंने बेड शीट चेंज कर दिए पूरी सारे कमरों के, जो बेड शीट से जो झूले पे वो रखा हुआ था चादर वो भी मैंने निकाल दिया सारा, मैं वॉश कर रही हूँ. तो एक राउंड मैंने वॉश किया, ये दूसरा राउंड अभी मैं मशीन में डालूँगी. ये जो बाहर के कुशंस कवर है वो मैंने निकाले वॉश करने के लिए, एक राउंड मैंने ऑलरेडी वॉश किया है. किचन के भी ग्लव्स और जो टॉवल्स है छोटे छोटे वो भी मैंने सारे साफ कर दिए. अभी जो है फजर का टाइम है, फजर अभी हुई नहीं है, फजर होने वाली है, और मैं चाय बनाने लगी हूँ फॉर अस. अभी टाइम है 4, और इंशाल्लाह फजर की नमाज़ पढ़ के फिर हम चलते हैं. ओके, सो आई एम रेडी टू गो. और ये अबाया वाली मैंने पहनी, एंड दिस इज द शूज़, अभी बंद नहीं है तो मैं इसको बंद कर देती हूँ. और बैग जो है मैं कहाँ रखा है, एंड दिस इज़ द बैग जो आप लोगों ने हज के सफ़र में और लास्ट ईयर भी देखा है, और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ है. सो बस इसका थोड़ा सा बटन ख़राब हुआ था लेकिन मैंने सही कर दिया, और बस हियर आई एम रेडी टू गो. और टाइम हुआ 4:30. Can I telephone?
ايش كان بيتحكم المطر؟ يحل شغل القوة. يلا بركة غيره. One bag is here. لا لازم هو حيكون هنا. لا لا फाइनली हम पहुंच गए राज को व्लॉग में यही खत्म कर लेती हूँ। मेरे को आप लोग पसंद आया होगा।